कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको करण देओल की आने वाली एक शानदार फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों पूरे 28 साल बाद वापस आई है संजय दत्त की ये मूवी जो कि लोगों के दिलों में धमाल मचाने वाली है। दोस्तों खलनायक फिल्म जो कि 28 साल पहले लोगों के दिलों पर राज कर चुकी थी और अब तक करते आ रही है, और इस मूवी को एक बार फिर दोहराया जाएगा। खलनायक एक ऐसी मूवी है जहाँ पर एक विलन को हीरो से बढ़कर पहचान मिली है, जहां संजय दत्त का किरदार लोगों को बेहद पसंद आया था। ये एक पहली ऐसी फिल्म थी जहां विलेन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली थी। सबसे पहले हम आपको बता दें, फिल्म खलनायक को डायरेक्ट किया था डायरेक्टर सुभाष घई ने, जिसमें लीड रोल में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित नजर आए थे। साथ ही इस फिल्म में जैकी श्रॉफ जैसे बड़े एक्टर भी थे। इस फिल्म की ना सिर्फ स्टोरी जबकि इसके गाने, एक्टिंग, सभी का जुनून लोगों पर छा गया था। अब उसी जुनून को लोगों में फिर से जगाने के लिए पूरे 28 साल बाद खलनायक 2 आ रही है। खबरों की माने तो खलनायक 2 में भी हमें संजय दत्त नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को पहली फिल्म से जुड़ते हुए दिखाया जाएगा, जिसमें होगी बल्लू के जेल से बाहर आने के बाद की कहानी। वैसे तो इस फिल्म के सभी किरदार पुराने एक्टर और एक्ट्रेस के साथ ही होंगे, लेकिन इसमें एक नया किरदार भी जुड़ सकता है, और वह नया किरदार होगा यंग बल्लू का किरदार। अब ये नया यंग बल्लू का किरदार निभाने का इतना बड़ा अवसर कौन से हीरो को मिलेगा? दोस्तों खबरों की माने तो फिल्म खलनायक में यंग बल्लू यानी कि संजय दत्त का किरदार अलग तरीके से निभा सकते हैं करण देओल। जी हाँ दोस्तों, करण देओल को इस फिल्म में ऐसे एक्टर मौका मिल सकता है। वैसे तो ये मूवी बहुत ही कमाल की होने वाली है, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस और काफी फाइट सीन नजर आने वाले हैं। दोस्तों आप खलनायक 2 को लेकर क्या कहना चाहते हैं, और दोस्तों क्या आप सनी देओल के बेटे करण देओल को खलनायक 2 में देखना पसंद करेंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वैसे मेरे इस घर की कहानी भी काफी फिल्मी है। जब मैं इंडस्ट्री में नया आया था, मतलब आया नहीं था, आने वो जो टूटा फूटा बंगला था वहाँ एक बिल्डिंग बनी और उसी बिल्डिंग में मैं अब रहता हूँ। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो देखिए, ये है तब की फोटो जब जय सेठ ने खींची थी और ये पैरापेट पर मैं बैठा हूँ, और ये देखिए ये फोटो है 3-4 साल पुरानी, सेम जगह पर ये दोनों। भाग्य भाग्य, अच्छा कोई बात नहीं, अरे साइड में रख ले, सबके ऊपर से ले जाएगा। और आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हैं हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।